एमएसपी का लाभ व्यापारियों को नहीं बल्कि सीधे किसानों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार केंद्र सरकार ने धान की खरीद से पहले जमीन का रिकॉर्ड देखने का फैसला किया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने जानकारी साझा करी। उन्होंने कहा कि असम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिकांश खरीद वाले राज्य इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस मकसद से केंद्र की शीर्ष खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के साथ डिजिटल भूमि रिकॉर्ड साझा कर लिया है। सुधांशु पांडे ने जोर देते हुए कहा है कि यह नया तंत्र किसानों के हित में है और किसानों द्वारा अपनी जमीन में या किराए की जमीन में की जाने वाली खेती की फसल सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए जमीन का मालिक होना या ना होना जरूरी नहीं है। अगर किसानों ने किसी भी जमीन पर खेती की है तो उसे खरीद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी सोच इस बात को जांचने के लिए है कि कितने क्षेत्र में कितनी खेती की गई है और तदनुसार इसकी खरीद की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को FCI के साथ केंद्रित रूप से जोड़ा गया है, जो खरीद प्रक्रिया के दौरान मदद करेगा। इस पूरी प्रणाली को अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार वास्तविक किसानों से ही फसल खरीदे, व्यापारियों से नहीं। सचिव के मुताबिक पंजाब समेत ज्यादातर राज्य पूरी तरह तैयार हैं। हर राज्य चाहता है कि किसानों को खरीद प्रक्रिया से लाभ मिले, ना कि व्यापारियों को। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि MSP किसानों तक पहुंचे, ना कि व्यापारियों तक। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक किसानों को MSP खरीद का लाभ मिले, जिसे सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काफी बढ़ाया भी है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्केटिंग ईयर 2020-21 अक्टूबर से सितंबर में रिकॉर्ड 879.01 लाख टन धान, 1,65,956.90 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर खरीद की गई, जबकि मार्केटिंग ईयर 2020-21 अप्रैल मार्च में रिकॉर्ड 387.93 लाख टन गेहूं की 75,060 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर खरीद की गई है। उन्होंने कहा है कि ये प्रयास पिछले 5 वर्ष में केवल किसानों के हित में किए जा रहे हैं और सरकार चाहती है कि MSP का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।